वेलकम बैक टू गाइस माय चैनल। आज की वीडियो का स्टेटस आपने देख लिया होगा, जो आपने जस्ट देखी कि हाउ टू मेक अ इंट्रोडक्शन टेक्स्ट इन आवर वीडियो। तो आज की वीडियो गाइस बहुत ज़्यादा मस्त होने वाली है और बहुत छोटी भी होगी वीडियो, ज़्यादा बड़ी होगी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं कि मैंने वो कैसे बनाया टेक्स्ट। सबसे पहले गाइस आपको ओपन करना पड़ेगा अपने मोबाइल के अंदर काइन मास्टर। आप इसको प्ले स्टोर से जाके इजी डाउनलोड भी कर सकते हो और इजी एप्लीकेशन है, इजी टू एक्सेस है। ओपन होने के बाद में अपन करेंगे क्रिएट न्यू पे क्लिक। हम फाइल साइज ले लेंगे जो अपने वीडियो का नॉर्मली अपन लेते हैं 16:9, या अगर आपको सिनेमैटिकली वीडियो चाहिए तो अपन 2:35:1 भी ले सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये ज़्यादा अच्छा लगता है व्यू। और सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले गैलरी ओपन, वीडियो ओपन हो गई। सबसे पहले अपन इमेज पर जाके ब्लैक बैकग्राउंड ऐड करते हैं। ब्लैक के ऊपर व्हाइट वाला टेक्स्ट लिखेंगे, तो ब्लैक बैकग्राउंड पर मैंने टिक करा और यहाँ से हो गया डन। मैं बैक आ गया होम स्क्रीन पे, यहाँ हमारी वीडियो का टेक्स्ट आ गया। इसको थोड़ी सी लेंथ में बढ़ा देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट 3 सेकंड रहती है, मैं इसको 5 सेकंड कर देता हूँ। और नाउ इज़ टाइम टू इंपोर्ट अ टेक्स्ट। जो भी आपको अच्छा लगे, जैसा भी आपको फॉन्ट फेस वगैरह पसंद हो, आप उसमें ले सकते हो। अपन बनाते हैं मेरे चैनल का नाम आइकॉनिक क्लिक्स, जो कि इसी के ऊपर बनाते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ और ये सेंटर में है या नहीं है अगर आपको कभी पता करना हो तो हम इसको खाली क्लिक करके मेज़र करके देख सकते हैं। जहाँ पे ये रेड और ये लाइन आती है, मतलब ये वर्टिकली है। अगर इसको हॉरिजॉन्टल भी सेंटर देखना तो मिडल वाली लाइन आ जाएगी, अगर मिडल आ जाएगा तो टेक्स्ट। ऐसे करके आप इसको ये भी पता लगा सकते हो गाइस कि अपने टेक्स्ट फ्रेम के किस एरिया में आता है। यहाँ से हमारा ये मिडल आ गया, ओके। और टेक्स्ट का जो फॉन्ट है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ मेरे टेक्स्टों के अंदर, वो बेसिकली सैंस सेरिफ में जाके ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिलेगा आपको जोशन फाइन सैंस सेमी बोल्ड इटैलिक। ये तीनों ही है इसी के अंदर सारे फॉर्मेटिंग, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्स्ट है। आप देख सकते हो कितना डिसेंट, प्लस थोड़ा सा इसमें टिल्टनेस आने के बाद में ये बहुत शानदार लगता है। अब बात आती है नेक्स्ट कि वो कैसे होगा, वो ब्लैक फ्रंट कैसे आएगा और वापस अपना टेक्स्ट कैसे रहेगा। बेसिकली गाइस इसके अंदर अपना टेक्स्ट को कोई भी मूवमेंट नहीं है, इसके ऊपर अपन एक लेयर ऐड करेंगे, बस खाली उस लेयर को मूवमेंट करवाना रहेगा। सेम क्या करना है उसके लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो लेयर बटन है, या लेयर बटन पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, इमेज पे जाके वापस अपन ब्लैक ही लेंगे, क्योंकि अपन को ब्लैक पे ब्लैक पता नहीं लगेगा, इस पे ज़्यादा बेटर लगेगा। इसकी मैं साइज कर देता हूँ जिससे अपना पूरा टेक्स्ट तो छुप ही जाए, प्लस थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, जिससे अगर ये फ्रेम को हम थोड़ा सा भी राइट या लेफ्ट और मूव करते हैं तो हमारा टेक्स्ट उससे ना दिखे। इसके बाद में हमें करना पड़ेगा इसकी ओपासिटी कितनी है, 100% रखनी है। अब आती है इसको जो वो फेड वाला लुक है वो देने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा क्रॉपिंग पे, क्लिक करना पड़ेगा, मास्क के बटन को ऑन करना रहेगा, ये अभी ऑफ है, अभी इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ये मैंने इसको ऑन कर दिया। शेप जो अपना स्क्वायर है वो शेप वो रहने दो, या तो आप इसको ये भी कर सकते हो, सर्कल भी कर सकते हो, बट मैं सेकंड वाला चूज़ करूँगा। एंड इसका क्रॉपिंग के नीचे एक ऑप्शन आता है फेदर, इसको मैं करूँगा अप्रॉक्स 25%, ये डन। अब यहाँ से आप देख सकते हो गाइस, मैं इसको इसकी टाइमलाइन को बढ़ा करके दिखा सकता हूँ आपको कि मूव करके अपना टेक्स्ट कैसे दिख रहा है। ये देखिए गाइस कितना अमेजिंग लग रहा है अपना टेक्स्ट ऐसे दिखते हुए। अभी जब वीडियो में चलेगा तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले हमें इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है हमारी इस लेयर को। इस लेयर पर क्लिक करके लेफ़्ट साइड कॉर्नर पर आप ये की वाला बटन देख रहे होंगे गाइस, हमें इस पर क्लिक करना है। ये एक राइट साइड में एक विंडो ओपन हो गई है जिसके अंदर एक प्लस सर्कल और नीचे माइनस सर्कल है, जिसके अंदर प्लस सर्कल वाला ऑप्शन अभी ऑन है, अभी माइनस वाला ऑन नहीं है। ये कैसे यूज़ करता है, इसका काम क्या है? इसका काम बेसिकली है मूवमेंट्स मूविंग कराने वाले जो भी लेयर्स को काम आते हैं वो सब इसी से होते हैं। हमें इसमें पॉइंट बनाने पड़ते हैं कि हमें इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक अपनी लेयर को कहाँ पर और कहाँ से मूव कराना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको सेंटर में ही रहने देना है। सेकंड डॉट लगाने के लिए आप देख सकते हो मैं बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पे ले आया, फर्स्ट वाले पॉइंट पे सॉरी, तो वहाँ पे बिल्कुल जीरो हो गया। प्लस भी नहीं कर सकते, माइनस भी नहीं कर सकते। हमें थोड़ा सा इसको आगे लेके आया अपनी टाइमलाइन को, एक सेकंड
और 1.5, यहाँ पे मैं इसको एक और प्लस कर देता हूँ, और हमारी जो ये लेयर है इसको मैं कर देता हूँ पूरा राइट शिफ्ट, जिसमें हमारा आइकॉनिक क्लिक्स पूरा विजिबल हो जाएगा गाइस। यस, यहाँ पे पूरा विजिबल हो रहा है। अगेन थोड़ा सा इसको टाइमलाइन को आगे करके यहाँ पे हम वापस इसको हाइड कर देंगे नाम को। लेट्स रिजल्ट देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। तो पहले स्टार्ट करा आइकॉनिक क्लिक्स। वाओ गाइस, अमेजिंग, देख सकते हैं आप कितना अच्छा लगा था, परफेक्ट। तो इसी तरीके से आप अपनी टेक्स्ट को इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, या से नॉर्मली हमें इसको बस अब सेव करना है, या आपसे ऑप्शन जितनी हाई क्वालिटी आपको रखना चाहे आप रख सकते हैं, एंड देन सेव। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत मतलब पसंद आई होगी गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस तरीके से वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको हेल्पफुल लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय गाइस, सी यू, टाटा।